ना आंटी, पेडिक्योर जो है ना वो तो मैं हमेशा स्वीटी से करवाती हूँ, लेकिन मैनीक्योर नहीं। मैनीक्योर में ना कुछ बातों का खास ध्यान रखना पड़ता है। पानी तो ठीक है भैया जी, लेकिन चाय कब आएगी? मैडम आ रही है चाय। अच्छा भैया जी, पानी दे जाओ। ये लीजिए, पैसे आते टाइम ले जाना। ठीक है। पानी? पानी में? सर आज की डेट में अगर पैसा बनाना हो तो चीट फंड सबसे बेस्ट। बना बना लो पैसा। सर महंगाई बढ़ रही है, तनख्वाह नहीं बढ़ रही। पर हाँ ये डायरेक्ट मार्केटिंग भी बहुत अच्छा है। एक देना बटन। सर पढ़ाई लिखाई का कोई झंझट नहीं होता है और इंटरेस्ट रेट बहुत हाई। जैसे मेरी 1-2 वाली स्कीम, जैसे 1 साल में दुगना पैसा वापस। क्या सर, कम से कम 100 रुपये तो छुट्टी देना चाहिए ना। हमारे पास भी तो पैसे होने चाहिए ना। अब कैसे निकले पैसे? सॉरी गिर गई। अरे कोई बात नहीं सर। 1 साल में पैसा दुगना, कैसे कर लेते हैं आप ये सब? सर स्प्रिंग के पानी को बड़ी बड़ी कंपनियां हमें बोतल बनाने के लिए देती है। शहर में क्या रेट है पानी का? 10 रुपये लीटर, उससे ज़्यादा भी होगा। और हिमालय में पानी मुफ्त में। और जब चाहे अपने पैसे निकाल लो। हाँ हाँ, और क्या। पानी? पानी सर। सर लंच में क्या लेंगे? सर दोपहर के लंच में क्या लेंगे? कुछ खाना नहीं चाहिए, कुछ फल खाने को मिलेगा? फल कहाँ से लेकर आऊँगा सर आपके लिए? आप सर वेज लेंगे या नॉन वेज? वेज। ठीक है सर। नहीं है।
इस तरफ जाओ, देखो कि इस कोच से बाहर ना निकल पाए। अगले स्टेशन पे फोन करो और पुलिस और डॉक्टर्स को बुलाओ। तुम उस तरफ जाओ और देखो कि कोच से बाहर ना निकल पाए। सर, इंस्पेक्टर देव सर, पूरी ट्रेन को रोकना मुश्किल हो जाएगा। पूरी ट्रेन को रोकने की कोई जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर, सिर्फ इस डब्बे को रोकिए, बाकी पूरी ट्रेन को जाने दीजिए। बाकी यकीन नहीं इसी डब्बे में, क्योंकि ट्रेन का आखिरी डब्बा है जो दूसरी तरफ से बंद है और इस तरफ से मैं बिजली वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुद्दा कत्ल हुआ और मेरे बीच बहुत भीड़ थी तो कातिल यहाँ आ ही नहीं सकता, और उसके बाद पीटी ने रास्ता ब्लॉक कर दिया तो कातिल का यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। ट्रेन इतनी तेज निकल रही थी टनल से कि कातिल कूद भी नहीं सकता, तो कातिल है तो इसी डब्बे के अंदर। खैर, इस डब्बे को रोकिए, बाकी पूरी ट्रेन को जाने दीजिए। ठीक है सर। एसीबी अर्जुन, इमरजेंसी टास्क फोर्स, जब तक हम इस केस की तहकीकात खत्म नहीं कर लेते, आप में से कोई भी ये डब्बा छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। साहब ये क्या बात हो गई, आप लोगों की वजह से हमें क्यों देर हो रहा है साहब, हमें गाँव जाना है साहब। अरे साहब हमें गोवा जाना है, हमें जाने दीजिए। देखिए, अगर आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो हम इस केस की तहकीकात को जल्दी खत्म कर सकेंगे और आप लोग गोवा भी जा पाएंगे। अब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। सर, मरने वाले का नाम राहुल सूरी है। नाम है तुम्हारा? वीरू। वीरू नाम का कोई पैसेंजर है क्या लिस्ट में? नहीं सर, वीरू नाम का तो इसमें कोई नहीं है। सर, मिल गया कातिल, इसकी शर्ट पे खून भी लगा हुआ है। और भी है, ये देखिए। लैपटॉप का बैग किसका है ये? सर ये तो मेरा बैग है। कमाल है, एक आदमी आपकी नाक के नीचे से आपका बैग लेके चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। नहीं सर, वो दरअसल मैं डब्बे के अंदर फोन पे बात कर रहा था तब, हो सकता है कि जब लाइट गई थी तब इसने मौके का फायदा उठाकर ये बैग चुरा लिया। आप फोन पे बात कहाँ कर रहे थे, इसी डब्बे में या दो डब्बों के बीच? सर मैं डब्बे के अंदर ही था, वो दरअसल फोन पे कुछ बात कर रहा था और तभी इस चोर को मौका मिल गया, और जब ये सूरी जो मर चुका है उसके पास कुछ चुराने की नियत से पहुंचा तो वो जाग गया और इसने अंधेरे का फायदा उठाकर उसका खून कर दिया। सर सॉरी, आपको भी अपनी ट्रेन छोड़नी पड़ी, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी जल्दी कोई दूसरा इंतजाम करवा देता हूँ। इतनी जल्दी नहीं इंस्पेक्टर देव, खून इसने नहीं किया। वीरू की शर्ट पे जो खून का निशान लगा वो किसी चीज के साथ रगड़ने की वजह से लगा, उनकी बुखार नहीं है इस पर। अगर इसने कत्ल किया होता तो खून का निशान कुछ और ही तरीके का होता इसकी शर्ट पर। वैसे भी सूरी की लाश को देख के ऐसा लगा कि जैसे उसे पहले ड्रग किया गया, कि उसके पूरे शरीर पे कहीं भी हाथापाई की कोई निशान नहीं थी। और ऐसा नहीं कि एकदम से किसी चोर ने उसे मार दिया, एक सोचा समझा कत्ल। कांड भी दोबारा। सर मैंने उसे नहीं मारा। जानता हूँ, बताओ क्या हुआ था। ये साहब की लैपटॉप बैग पर मेरी नजर जरूर थी, जब ये बाहर गए मैं उधर गया, लाइट गई, मैंने बैग उठा लिया, उठाकर मैं जैसे ही मुड़ा तो
कोई जोर से टकराया और डब्बे के उस तरफ चला गया। मुझे पता था कुछ देर पे रत्नागिरी स्टेशन आने वाला है और गाड़ी स्टेशन पे जैसी धीमी होती मैं कूद जाता था, लेकिन उससे पहले ये सर मैंने उसे नहीं मारा सर, मैंने खून नहीं किया। वैसे ये बात तो समझ में आती है कि तुम्हारी शर्ट पे खून का निशान आया कहां से। इंस्पेक्टर इसका बयान लिखो। उन्हीं को सिर्फ अपना दायां हाथ फ्री रखना था, निकालना था और यूं नस काटनी थी, उसके बाद उसका काम हो गया। उनकी बुखार को जिस तरह निकली होगी, इन कातिल ने शायद हाथ में रुमाल बांधा हुआ था, इस वजह से उस रुमाल ने सारा खून सोख लिया। उसी वक्त शायद वीरू आपका लैपटॉप बैग चुरा रहा था, और यहां से लैपटॉप बैग चुरा के जब उठा था कातिल सामने से आ रहा था, और सामने से आते हुए उसके हाथ पे जो रुमाल या जो कोई भी कपड़ा था जिसमें खून लगा था उसकी शर्ट पे लग गया। कपड़ा जिसपे खून है या रुमाल है, जो कुछ भी वो चीज, वो या तो इसी ट्रेन में है या उस कातिल ने बाहर फेंक दिया। अगर वो इस ट्रेन में है तो हमें उसे ढूंढना होगा। सर्च फॉर इट। धब्बे तो यही है, लेकिन खून से सना हुआ कपड़ा या रुमाल या कोई भी ऐसी चीज यहाँ मौजूद नहीं है। इसका मतलब कातिल ने वो कपड़ा या रुमाल यहीं से फेंका था। वो ना हो वो कातिल इस ट्रेन के इसी डब्बे में। इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर्स फोन करो और उनसे कहो कि टनल से यहाँ तक के रास्ते के बीच में देखें, उन्हें कोई भी हथियार मिलता है या कोई भी ऐसा कपड़ा जिसमें खून लगा हो तो हमें इमीजिएटली इन्फॉर्म करें। ठीक है सर। और दूसरी बात, इन सारे पैसेंजर्स की लिस्ट चाहिए मुझे, उनका नाम पता कहाँ से आ रहे थे कहाँ जा रहे थे सारी इंफॉर्मेशन के साथ। यस सर। दो आश्री राठौर सर अभी दिल्ली सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, लीसा लास्ट को प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम करके जल्दी रत्नागिरी पहुंच जाएगी, और मैं छोटू और आयशा यहाँ पे आप बैठ के आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे सर। और हाँ सर, मैंने सारे फोन्स में वीडियो कॉल्स एक्टिवेट कर दिया है, अब आप हमारे साथ केस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। मैं तुम्हें केस की सारी डिटेल्स मेल कर दी है श्री। राइट सर, मिल गया। और मेरे हिसाब से कातिल कोई डॉक्टर या सर्जन है, क्योंकि बहुत ही सफाई से काटा गया, जैसे 3 मिनट में खून बहा और आदमी की मौत हो गई। पहले मिस्टर सूरी को शायद ड्रग भी किया गया, क्योंकि उनके शरीर पर हाथापाई की कोई निशान नहीं है और ना ही ट्रेन में उनके चिल्लाने की आवाज आई। जब उनकी मौत हुई या जब उनका गला काटा गया मिस्टर सूरी तब भी सो ही रहे थे। और एक और चीज पता करो, ट्रेन में जितने भी पैसेंजर्स थे क्या उनमें से कोई भी डॉक्टर है? ओके सर, मैं चेक करता हूँ एंड आई विल गेट बैक टू यू सून। हो गया गौतम ग्रोवर जो चिटफंड चलाता था फिलहाल गायब है। बहुत सारे लोगों ने इसके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई है, क्योंकि वो लोगों को अच्छे रिटर्न्स देने का झांसा देता था, उन्हें फंसाता था फिर गायब हो जाता था। कई लोगों की तो जिंदगी भर की कमाई ले उड़ा, कई कई लोगों ने आत्महत्या तक कर ली, कई जगहों के लोकल पुलिस उसे पकड़ने के बहुत करीब थे लेकिन वो हाथ से निकल गया, शायद घुस दे के। मतलब राहुल सूरी और गौतम ग्रोवर एक ही इंसान है, बदल कर के लिए चल रहा था क्योंकि इतने सारे लोग उसकी जान के पीछे पड़े हुए। वो सब तो ठीक है आयशा, लेकिन ये सोचो अर्जुन सर छुट्टी पे जा रहे हो और वहां पे भी केस आके उन्हें घेर लेते हैं। लेकिन अगर वो छुट्टी पर गए तो ट्रेन में क्या कर रहे थे? पूछना है? पूछने की क्या जरूरत है?
यूं एक मिनट में पता कर लूंगी क्यों गए थे, कहां गए थे, कैसे गए थे। यू डोंट बिलीव मी ना। लगी शर्त? लगी 500 की। हेलो सर, मरने वाले का नाम राहुल सूरी ने, गौतम ग्रोवर था, चिट फंड के फ्रॉड का मास्टरमाइंड था वो। याद है मुझे, काफी सारे लोगों की जमा पूंजी डूब गई थी, इससे तो कत्ल का मकसद साफ है। आयशा एक काम करो, सारे लोगों की लिस्ट बनाओ जिनको इस आदमी ने कभी ना कभी ठगा था। राइट सर, पुलिस स्टेशन से सारे FIRs चेक करवाती हूँ। सॉरी सर, इस सब में आपका हॉलीडे खराब हो रहा है, छुट्टी बिगड़ रही है। आप वहाँ पर वॉटरफॉल देखने जा रहे हैं ना? कैसी छुट्टी सर? ट्रेन में जितने भी पैसेंजर्स थे उनका लिस्ट मैंने चेक कर लिया है, उसमें से डॉक्टर्स कोई भी नहीं थे। बहुत अजीब बात। तो आई विल चेक एंड गेट बैक। थैंक यू सर। पैसेंजर्स के बारे में पूरी जानकारी, उनके नाम, पते, कहाँ से चढ़े, कहाँ तक जा रहे थे। जी सर, पानी तो उन्होंने मुझसे ही लिया था। लेकिन सारी बोतलें सील थी और उनके डिब्बे भी बंद थे, पिछले स्टेशन पर ही चढ़ा था। सब पानी के साथ छेड़खानी की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। और जब कत्ल हुआ उस वक्त तुम कहाँ थे? दोपहर के खाने का ऑर्डर ले रहा था, तब मैंने देखा सूरी साहब सो रहे थे। मैंने उनको जगाने की कोशिश भी की लेकिन वो उठे ही नहीं। सर, उसके बाद मैं आगे बढ़ गया। फिर जब वो साहब को दिल का दौरा पड़ा तो सब लोग उनके पास चले गए। डॉक्टर को बुलाओ। फिर बिजली गुल हो गई। जब बिजली वापस आई तो मेरे बगल में जो औरत बैठी थी उसने मुझे मेरे बैग से दवा निकाल कर मुझे दी और मुझे कुछ क्षणों में आराम आ गया। अक्सर आ जाता है। अब दिल के मरीज हैं? जी हाँ। अब काफी सालों से आपका इलाज चल रहा है? जी वो मेरे हालात को देखते हुए, आपकी तहकीकात हो जाए तो आप मुझे जाने देंगे ना? आपके हालात को देखने के बाद ही हमने एक डॉक्टर ऑन कॉल रखा है जो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल कर सके। वैसे आप गोवा किस लिए जा रहे थे? जी वो मेरा कपड़े का छोटा सा धंधा है, अब काजू का धंधा देखने के लिए मैं गोवा जा रहा था। मेरा 3 दिन का सनशाइन लॉज में बुकिंग भी है सर, आप चाहें तो चेक करवा सकते हैं। सनशाइन लॉज साउथ गोवा। जोशी की 3 रात की बुकिंग थी वहाँ, वो सच बोल रहा है। सच सिर्फ ये है श्री कि कत्ल से ठीक पहले जोशी को दिल का दौरा पड़ा। दिल का दौरा लोगों का ध्यान बांटने के लिए था, और ये कि वो 3 दिन के लिए गोवा में उसके नाम की होटल की बुकिंग थी तो कोई भी करा सकता, इससे ये साबित नहीं होता कि वो वहीं जा रहा था। इत्तेफाक से मैं इत्तेफाक पे यकीन नहीं रखता श्री, उसकी पूरी कहानी चेक करो कि वो कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था, किस वजह से जा रहा था, उसका काम क्या है, परिवार में कौन है, और सारी इन्फॉर्मेशन। और ये भी चेक करना क्या उसके घर में उसके परिवार के सब लोग ये जानते हैं कि वो गोवा जा रहा था। वेट सर, मेरे पास चौल का नाम है, फ्लैट नंबर नहीं है, लेकिन मैं जाके पता करती हूँ। लाश को देख के सबसे पहले आप चिल्लाई थी, लेकिन उससे पहले कातिल आपके पास से होके गुजरा होगा, क्या आपने कुछ सुना? क्या कहा? कातिल आपके कंपार्टमेंट से होके गुजरा होगा जब वो टॉयलेट की तरफ भाग रहा था, क्या आपने कुछ सुना था? देखो, खुशफुसाने की कोई जरूरत नहीं है, सब जानते हैं यहाँ क्या हुआ। तुम बिल्कुल मत घबराना, जरा जोर से बोलो। मुझे उसकी बातें सुननी पड़ रही थी सर, मेरे बगल में जो बैठा था, और उसकी स्कीम बहुत बढ़िया थी, सोच रहा था मैं भी उसमें कुछ पैसे डाल दूं। अब करते क्या? मैं स्कूल टीचर था, आजकल रिटायर हूँ। आपने कोई अटपटी बात नोटिस की, जैसे उसकी बातों में कोई ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा हो? नहीं। उसको किसी ने खाने के लिए कुछ दिया? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं खाया,
चाय तक नहीं पी। मैंने ऑफर की थी पर नहीं ली। जब लाश मिली तब आप कहाँ थे? मैं अगले कंपार्टमेंट में, उसको दिल का दौरा पड़ा था ना, वहाँ गया था। और अब जा कहाँ रहे हैं? जी गोवा छुट्टी मनाने। अकेले? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।